अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिनभर की पांच बड़ी खबरों के साथ। कहते हैं सत्ता का सुरूर सर चढ़कर बोलता है। बीजेपी विधायक संगीत सोम के परिवार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। विधायक के पिता पर एक ठेकेदार की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सूबे के किसानों को आश्वासन दिया है। लखनऊ पहुंचे गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर संभव मदद करने में जुटी है। तो इधर मासूम छात्र की मौत को लेकर जी संगम की मुहिम का असर देखने को मिला है। आज पीलीभीत मुरादाबाद समेत कई जिलों में स्कूल की गाड़ियों के चालान काटे गए और कई गाड़ियां जब्त भी की गई। सूबे में घोटालों का सिलसिला जारी है। पेंशन में योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया। सूबे में 11,73,000 फर्जी पेंशन धारकों को पेंशन बांटने का खुलासा हुआ। उधर मुरादाबाद में जमीन का घोटाले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने एसडीएम के साथ मिलकर करोड़ों की सरकारी जमीन बेच डाली। किराए पर घर मिलते हैं, दिहाड़ी मजदूर मिलते हैं, लेकिन क्या कहेंगे जब कोई शख्स भाड़े पर किसी अपराधी की जगह जेल चला जाए। ऐसा ही मामला एटा में सामने आया, जहां पर एक पशु तस्कर ने एक युवक को 300 रुपए की दिहाड़ी भाड़े पर अपनी जगह जेल भेज दिया। दरअसल पिछले साल 27 नवंबर को राजा का रामपुर पुलिस ने 6 पशु तस्करों को 9 ट्रकों के साथ धर दबोचा था, जबकि 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस अज्ञात आरोपियों में से एक की पहचान एहसान खान के तौर पर हुई थी। 29 नवंबर को एहसान कोर्ट में पेश हो गया। कोर्ट ने उसे जेल भी भेजा, लेकिन जब पूरे मामले में पर्दा उठा तो पता चला कि जो शख्स कोर्ट में पेश किया हुआ था उसे जेल भेजा गया था वो एहसान था ही नहीं, बल्कि कोई दूसरा शख्स मियां जान था। मामले का खुलासा नहीं होता अगर मियां जान की पत्नी उसकी जमानत कराने के लिए वकीलों के पास नहीं पहुंचती। दरअसल इस खेल का पूरा ताना बाना संजय और नवाब ने बुना था। पुलिस की माने तो प्लान के तहत एहसान ने मियां जान को दिहाड़ी पर हायर किया। जेल में एक दिन सजा काटने के लिए बकायदा 300 रुपए दिहाड़ी में डील पक्की की गई और फिर उसे अपनी जगह जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मियां जान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे भी दोनों आरोपियों के साथ जेल भेज दिया गया है। उसी की पत्नी से मालूम पड़ा, जो अपने आप को सोकॉल्ड कह रही थी मैं जो मनोज की पत्नी हूँ, मनोज को नवाब लेकर आया था, 300 रुपये रोज मैं तुम्हें दूंगा, मेरे साथ चलो और 3 दिन में तुम लौटाना। लेकिन वो 3 दिन बाद जब नहीं पहुंचा तो उसकी जो पत्नी अपने आप को कहती थी वो यहां आई थी कचहरी में, एहसान बना के जेल में दाखिल करा दिया है। एहसान हमारे पास नवाब आया था जमानत कराने के लिए गौकशी में, तो उसमें उसको दाखिल किया था, तो उसने एक आईडी लाकर दी थी जिस पर एहसान और एहसान का फोटो लगा हुआ, जिस व्यक्ति को उसने जेल में दाखिल कराया। लेकिन अब पता चला है कि वो एहसान नकली है, उसका नाम मियां जान बताया गया है और असली एहसान बाहर है। को उसने खुद आत्मसमर्पण किया था, उसने किन शर्तों पर आत्मसमर्पण किया था? निश्चित रूप से जब मैं वांछित नहीं था, किसी दूसरे के नाम पर वो जा रहा है जेल में, तो कुछ न कुछ प्रलोभन मिला ही रहा होगा। लेकिन वास्तव में क्या इनकी डील हुई थी ये नहीं विवेचना कर सकते। उसका उसको न्यायालय में आत्मसमर्पण कराने में सहयोग करने वाले नवाब और संजय नाम के दो व्यक्ति हैं, इनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर ये सब तथ्य प्रकाश में आने पर धारा 420, 467, 469, 469, 471 भागा बी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके योजना की जा रही है। और एटा से जी मीडिया संवाददाता मोहम्मद आरिफ हमारे साथ हैं। आरिफ, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो शख्स जो एक तरह से दिहाड़ी पर जेल गया, जो असली आरोपी था वो बाहर घूमता रहा, जब जेल कोई जाता है कैदी तो क्या कहें यूं ही चला जाता है? कोई उसकी पहचान, कोई शिनाख्त पहले होती ही नहीं है, कोई भी चला जाएगा ऐसे जेल दिहाड़ी पर? जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी आदमी बिना शिनाख्त के उसको जेल भेज दिया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कोर्ट में वो हाजिर हुआ है और कोर्ट में हाजिर होने के बाद कोर्ट ने अपने ही न्यायालय से सीधे उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन जब उसकी जमानत का नंबर आया है तब ये पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है कि आखिर खेल क्या चल रहा था, लोग किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को जेल भिजवाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करते भी हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने भेजा है, इस मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर जो आरोपी है वो अभी असली आरोपी है वो कहाँ है, उसकी तलाश की जा रही है। पूरी जानकारी देने के लिए
लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक असली आरोपी का कुछ अता पता ही नहीं लग पाया कि कहां पर है वो। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी रहे बीजेपी विधायक संगीत सोम एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार एक ठेकेदार ने संगीत सोम के पिता पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ठेकेदार के मुताबिक उसे बेरहमी से पीटा गया। दरअसल ठेकेदार ने अपने मजदूरों को संगीत सोम के पिता ओमवीर सोम के भट्टे पर भेजा था। ठेकेदार के मुताबिक किसी वजह से मजदूर वहां से भाग निकले, जिसके बाद ओमवीर सोम ने ठेकेदार से 4 लाख रुपए की मांग की, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले पर मेरठ पुलिस ने मामला दर्ज कर एक मुनीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में मुनीम भी शामिल था। जाहिर है केस संगीत सोम से जुड़ा है और ऐसे में मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पीड़ित ठेकेदार के साथ कुछ एसपी नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की, लेकिन ओमवीर सोम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शरीर पे काफी चोटें हैं। इसने कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे की चोरी का इल्जाम लगा के इसके साथ मारपीट की है। इनका मेडिकल कराया जा रहा है। सीओ सरधना को जांच दी जा रही है, जो अभी फौरन मौके पे जाएंगे और जांच करेंगे। अगर इसके अंदर फैक्ट्स है तो एफआईआर दर्ज करके दोषी के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने लेबर को पैसे दिलवाए उनसे। लेबर को पैसे देने के बाद में अब जब लेबर आ गई वहां पे, उनके साथ में उन्होंने मार पिटाई करी, वे भाग गए वहां से। और कल मुझे घर से उठा के ले गए, 4.5 लाख रुपए लेके भागे वे चार बंदे। घर से उठा के ले गए मुझे अपने कुसावल फार्म हाउस पे ले जाकर बहुत पिटा, डंडों से भी और केविल से भी। इसकी इतनी बुरे तरीके से पिटाई की, नखून पिला से पाट दिए गए हैं, इतनी गंदगी मतलब इसके साथ की है। आप बस इसकी हालत देखकर ही पता लग जाता है कितना बुरा इनके साथ। विधायक संगीत सोम विधायक है सरदना सीट, और उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्हीं के क्षेत्र के। उनके पिता है ओमवीर सिंह, जिनके जो भट्टा पे काम कर मतलब जो भट्टा चला रहे हैं। नोएडा के डीएनडी मामले में नोएडा अथॉरिटी को नोटिस मिला है, साथ ही डीएनडी से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमण से बात की और इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। अनुराग चड्ढा जी मेरे संवाददाता हमारे साथ है। अनुराग, ये बताइए कि आप किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी पर शिकंजा कसा जा सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि तमाम दस्तावेज तलब किए जा चुके हैं। देखिए श्रोता, जो डीएनडी प्रशासन है वो मुश्किल में आ सकता है। जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने बात की है चेयरमैन जो नोएडा अथॉरिटी के हैं रमा रमन, और साथ ही अथॉरिटी को नोटिस भी भेजा है। और ये कहा गया उस नोटिस में कि जो भी डीएनडी से जुड़े दस्तावेज हैं वो आप यहाँ पर पहुंचाइए और उसके बाद जांच की जाएगी। अभी कुछ देर पहले मेरी चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि एक सप्ताह के भीतर वो जो डीएनडी प्रशासन है और जो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाने वाले हैं, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके अलावा जो रमा रमन है उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफ किया है उसके मुताबिक अथॉरिटी ने भी उस एग्रीमेंट का खुला विरोध किया है। ये बात कही गई है कि जिस तरह का वो एग्रीमेंट है उससे 50 साल तक भी जो टोल है वो फ्री नहीं हो सकता। इसके अलावा जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरह से एक तरफा है, वो जनहित के जो मामले होते हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है। तो जिस तरीके से रमा रमन ने रिपोर्ट दी है वो पूरी तरह से ये कहा जाएगा कि जिस तरह की मुहिम लगातार जी मीडिया चला रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डीएनडी से एग्रीमेंट हुआ तो पूरी तरह से गलत है, अब डीएनडी को टोल फ्री हो जाना चाहिए, तो उनके बयान पर अगर जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी का रिएक्शन है वो बिल्कुल राहत देने वाला है। अगर आने वाले 15 दिनों में जो डीएनडी से जुड़े तमाम दस्तावेज हैं और जो मीटिंग है वो सब हो जाएंगे, उसके बाद देखना होगा कि यूपी सरकार इस मामले में किस तरह का दखल करती है। लेकिन रमा रमन के बयान से एक बात पूरी तरह साफ है कि नोएडा अथॉरिटी उस एग्रीमेंट से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। जी, चलिए अनुराग, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुरादाबाद में भूमाफियाओं और कलेक्ट्रेट की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन का घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने अपने एसडीएम के साथ मिलकर सीलिंग की जमीन भूमाफिया को बेच डाली। मामला तब सामने आया जब विकास प्राधिकरण ने इस इलाके में अवैध निर्माण की जांच शुरू की। पूरे मामले के खुलासे के बाद विकास प्राधिकरण के डीसी ने घोटाले की पूरी जानकारी कमिश्नर को दे दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस एसडीएम पर सीलिंग की जमीन भूमाफियाओं को बेचने के आरोप लगे हैं उसी ने कुछ दिन पहले इन्हीं जमीनों को दूसरे भूमाफियाओं से आजाद कराया था। यानी एक भूमाफिया से जमीन को छुड़ाकर दूसरे भूमाफिया को दे दी गई। मामला सामने आने के बाद कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। यह गंभीर अनियमितता हमको दिखी, तो इसके लिए हमने जो है जिलाधिकारी मुरादाबाद को और मंडलायुक्त महोदय को हमने जो है जांच
करके उस पर विधि कार्रवाई करने के लिए अपनी ओर से अनुरोध कर लिया। जांच इसकी जो है विस्तृत लेवल से होगी, हमारी मंडलायुक्त महोदय से बात भी हुई है, इसमें जांच जो है वो बहुत उच्च स्तरीय स्तर से जांच इसमें होनी है, तो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण ने करीब 24 बिल्डर्स को प्रोजेक्ट रोकने के लिए नोटिस दिया है। नोएडा एक्सटेंशन में इन बिल्डर्स के एनएच 24 से चार मूर्ति चौराहे के बीच कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्राधिकरण ने बिल्डरों को नोटिस एनजीटी के आदेश की कॉपी मिलने के बाद दिया है। एनजीटी का मानना है कि इस इलाके में निर्माण करा रहे बिल्डर निर्माण को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए एनजीटी ने NH24 से किसान चौक तक जाने वाले रास्ते में NH24 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम बिल्डर्स का काम रोकने के आदेश दिए थे। तो यूपी में ये कहा जाता है कि जो भी सीएम नोएडा आता है उसे अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। सीएम अखिलेश भी इसी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल यानी कि शनिवार को नोएडा में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन होना है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा नहीं आएंगे। सभी योजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से किया जाएगा। लखनऊ के से ही सब कुछ होगा और अखिलेश के नोएडा आना आने पर अब बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश युवा सीएम है और उन्हें नोएडा जरूर आना चाहिए, अगर वो नहीं आते तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इधर एसपी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि अभी सरकार के 2 साल बचे हैं और सीएम अखिलेश नोएडा जरूर आएंगे। नोएडा न आने के यूपी के सीएम की फहरिस्त काफी लंबी है। 2011 में मायावती नोएडा जरूर आई थी, लेकिन अगले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और सीएम की कुर्सी चली गई थी। ऐसा नहीं है, कहावत है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और मायावती जी आई थी तो 5 साल चली, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही तो कहाँ हट गई है। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, फिर सरकार तो आती जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ना अखिलेश जिसको मानते हैं उन जरूरत पड़ेगी, वो आएंगे नोएडा। नोएडा इन सरकारों के लिए, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो या समाजवादी की सरकार रही हो, उनके लिए एक सोने का अंडा देने वाली जगह रही है। जहां से इतना पैसा बटोरा गया है, इतना भ्रष्टाचार वहां से हुआ है, और उसको अशुभ मानना, दूध देने वाली गाय को अशुभ मानना या सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को अशुभ मानना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंधविश्वास है। और कम से कम जो व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री जैसे गरिमा में पद पर बैठे हों, उन लोगों को इस प्रकार के अंधविश्वास में विश्वास करना, ये भी शोभा नहीं देता। 2012 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साइकिल रैली की शुरुआत नोएडा से की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो नोएडा को वो विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी तक नोएडा नहीं आए हैं। और इस बार मौका भी है, हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन होना है, लेकिन ये उद्घाटन नोएडा से नहीं बल्कि 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से होगा। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में व्यापारी से 10 लाख की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाश व्यापारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी मेरठ में अपना मकान बेचकर 10 लाख रुपए लेकर जा रहा था और इसी दौरान लूट की ये वारदात हुई। अयोध्या मसले पर एक बार फिर से सुलह की पहल शुरू हो गई है। फैजाबाद के हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के यहां पक्षकारों की बैठक हुई, जिसमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज और बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी समेत 6 पक्षकार शामिल हुए। इस बैठक में महंत ज्ञानदास को सुलह अभियान के लिए अध्यक्ष चुना गया है। बैठक के बाद महंत ज्ञानदास ने दावा किया कि इस पहल के बाद सभी पक्षकार सुलह के लिए तैयार हो जाएंगे और तीसरी बैठक में अयोध्या मसले का हल हो जाएगा। वहीं हाशिम अंसारी ने कहा कि इस नई पहल के बाद मसले के हल की उम्मीद जगी है और उम्मीद है कि जल्द ही अमन चैन के साथ ये मुद्दा हल हो जाएगा। अभी 6 पार्टी यहाँ हमारे हनुमान जी के प्रांगण में यहाँ आ चुकी हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, इसका प्रयास किया जाए, इसका हल निकाला जाए। अब बहुत दिन हो गया, अब नहीं लड़ा जाएगा, तो ऐसा कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अगला एक बैठक दो बैठक तीसरे मीटिंग में तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या, समझौता हो ही जाएगा। मान ख्याल बात में जो फैसला लिया है हम उसकी दायित्व करते हैं, हम उनके साथ हैं।
और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा और शांति और अमन के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं। मान जी ने बहुत कोशिश की, मैं खुद भी खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता था। मान जी ने सबको मना किया कि सुप्रीम कोर्ट न जाओ, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। समझौता करके वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए, तो इसकी पूज्य महाराज श्री के लिए अध्यक्षता के लिए हमने प्रस्ताव पास किया और पूज्य हमारे जन्मेजय शरण जी महाराज को संयोजक के रूप में, ताकि सबको जोड़ने का काम करें और हर व्यक्ति, जितने छह पक्षकार हैं, चाहे निर्मोही अखाड़ा के हमारे रंजित लाल जी हैं, रमेश चंद त्रिपाठी जी हैं, हमारे परम पूज्य धर्मदास जी महाराज हैं, तो सब लोग जो है अब जो संपर्क में है, जो इसमें वादी है प्रतिवादी है, उनको जोड़ेगा और फिर अगली बैठक हम लोग करेंगे और आपसी सहमति के साथ इसका निराकरण करेंगे। जो आज सैकड़ों वर्षों से जो विवाद चला आ रहा है उसका निराकरण करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। यूपी में फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम आज संभल पहुंची। यहां केंद्रीय टीम के आला अधिकारियों ने फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर किसान ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के पास नुकसान के स्पष्ट आंकड़े नहीं है। संभल में फसल बर्बादी के कारणों की वजह से 12 किसानों की मौत हो चुकी है। फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम कन्नौज भी पहुंची। टीम ने स्कूल में कैंप लगाकर किसानों की समस्याओं को भी जाना। जांच टीम प्रमुख और भारत सरकार के संयुक्त सचिव ए बुटानी ने कहा कि जिले में 50-30 से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा। उधर जौनपुर के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने भी बारिश से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। जिलाधिकारी आज जलालपुर के ओइना खास पहुंचे। उन्होंने फसलों के सही आकलन रिपोर्ट न दिए जाने पर लेखपाल को निलंबित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि यहां पर 70% गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। और रुक करते कुछ खबरों का, खबर एक नजर में मेरठ की विक्टोरिया पार्क अग्निकांड त्रासदी के 9 साल पूरे हो गए हैं। नवी बरसी के मौके पर लोगों ने उस दर्द को याद किया और पार्क में बने स्मारकों में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज यूपी के चर्चित पुलिस भर्ती मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने भर्ती प्रतियोगिता के परिणामों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए और वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल तक का वक्त दिया है। मुरादाबाद के रामपुर हाईवे पर एक ट्रक चालक ने नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश की, लेकिन लड़की ने शोर मचाया। पुलिस और लोगों को पीछा करते देख आरोपी ड्राइवर ट्रक और लड़की को छोड़कर भाग निकला। गोंडा के कोतवाली थाना इलाके में एक ट्रक ओवर ब्रिज की रेलिंग तोड़कर 2 मकानों पर गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग सही सलामत बच गए।